आप देख रहे हैं YouTube चैनल NAS एजुकेशन नेटवर्क अकबर सर के साथ। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न नंबर 1 का पॉइंट नंबर 3 हल करेंगे। पॉइंट नंबर 3 हमें दिया है 3x-5y-4=0 और 9x=2y+7। ये दो रेखा खंड युग्म हमें दिए हैं। इन दोनों समीकरण युग्म को हम प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से हल करेंगे। तो सर्वप्रथम हम विलोपन विधि से हल करेंगे। लिखेंगे दी गई समीकरण 3x-5y-4=0। दूसरी समीकरण हमारी 9x=2y+7। 9x तो आप ऐसे ही लिख लेंगे, लेकिन ये 2y+ का है, जब इधर आएगा तो माइनस का 2y, और ये प्लस का 7 है, जब इधर आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, बराबर 0। अब क्या करेंगे कि समीकरण एक में, यहाँ देखिए इसको समीकरण एक मान लेंगे, इसको समीकरण दो मान लेंगे। समीकरण एक में अगर हम 3 से गुणा कर दें तो x का जो गुणांक है वो समान हो जाएंगे। देखिए 3 से 3 में गुणा होगी, 3 की 9x, यहाँ भी 9x, इसलिए समीकरण एक में हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। तो 3 * 9x - 3 * 15y। देखिए इस 3 की इस 3 में करी गुणा, 3 * 9x हुआ, ये माइनस है वो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, इस 3 की गुणा 5 में करेंगे, 3 * 15y, फिर प्लस माइनस माइनस, और 3 * 12 बराबर 0। दूसरी समीकरण ऐसे ही ले लेंगे, क्योंकि केवल हमें x का गुणांक समान करना था, 9x - 2y - 7=0। लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस प्लस ये भी प्लस, 9x में से 9x घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ माइनस का 15y, ये प्लस का 2y, माइनस का 13y बचेगा, माइनस के 12 में प्लस का 7 घटाएंगे, माइनस का 5 बचेगा, बराबर 0। माइनस का 13y आप यही रहने देंगे, बराबर ये माइनस का 5 उधर लेकर जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, या y बराबर 5 - -13। तो बाई का मान मिल गया हमें 5 - -13। ये जो बाई का मान है वो समीकरण एक में रख देंगे, या आप चाहें तो दो में भी रख सकते हैं। तो लिखेंगे बाई बराबर -5/13 समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक हमारी 3x - 5y - 4=0। 3x आप ऐसे ही रहने देंगे, -5 * y के स्थान पर रखेंगे -5/13 - 4, ये आपका ऐसे ही बराबर 0। अब क्या करेंगे, प्लस का 3x ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 * 25/13 - 4=0। ये 3x आप यही रहने दें, ये माइनस का 4 है उधर लेकर चला जाइए, बराबर से दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4, और ये प्लस का 25/13 है, ये जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 25/13। इसके नीचे 1, इसका लेंगे एलसीएम, कितना आ जाएगा 13, 1 से 13 कटेगा 13 बार, 13 * 4 में होगी, 13 * 52, माइनस 13 से 13 कटेगा 1 बार, 1 * 25 में करेंगे, 25 ही रहेगा, या 3x = 52 में से 25 घटाएंगे, तो इस तरह से घटा लेते हैं, 12 में से 5 गया, 7 बचा, और यहाँ 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, 2/13। अब क्या करेंगे, ये 3x के कहाँ हैं, गुणा में है, कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा
आपका 27 बटा 13 गुणा 3, ये वाला जो 3 है साइड वाली संख्या के बटे में जाता है, तो इस 13 के गुणा में जाएगा लेकिन 27 के बटे में जाएगा। 3 से 27 कटेगा 9 बार, 3 × 27, तो x बराबर आ गया आपका 9/13। इस तरह से आप विलोपन विधि से x और y के मान प्राप्त कर सकते हैं। स्थापन विधि के लिए हम दोनों समीकरण युग्म को लिख लेंगे। पहले यहाँ रैखिक समीकरण युग्म में हमारा 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। दूसरा रैखिक समीकरण युग्म में हमारा नो एक्स बराबर 2y + 7। तो इस तरह भी लिख सकते हैं, x बराबर 2y + 7/9, ये गुणा वाली संख्या साइड वाली संख्या के बटे में जाती है, तो आया x बराबर 2y + 7/9। ये हमारी समीकरण नंबर 1 थी और ये हमारी समीकरण नंबर 2 और ये हमारी समीकरण नंबर 3। अब लिखेंगे x बराबर 2y + 7/9, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 हमारी 3x - 5y - 4 = 0। 3 एक्स के स्थान पर लिखेंगे 2y + 7/9 माइनस 5y, ये आप कैसे ही माइनस 4 = 0, ये भी ऐसे ही। इस 3 की चाहें तो अंदर गुणा कर सकते हैं लेकिन यही 3 से 9 को काट दें तो अच्छा रहेगा, 3 × 9। ये आ गया आपका 2y + 7/3 -5y - 4 = 0। अब इसके नीचे देखिए ये माइनस का 4 उधर लेकर चले जाइए तो प्लस का हो जाएगा, तो लिखेंगे 2y + 7/3 -5y, बराबर ये माइनस का 4 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, इसके नीचे 1, इसका एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 से 3 कटेगा एक बार, 1 की गुणा 2y + 7 में होगी, ऐसे ही रहेगा, तो 2y + 7 माइनस 1 से 3 कटेगा 3 बार और 3 की गुणा 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15y बराबर 4 आपका ऐसे का ऐसे। अब 2y ये माइनस का 15y, तो माइनस का बचेगा कितना 13y बराबर, तो ये हो जाएगा 3 × 13y और ये प्लस का 7 आपका ऐसे का ऐसे ही, और ये हो जाएगा इसके नीचे 1 मान लीजिए, तिरछी गुणा कर लीजिए, 3 × 12, ये प्लस का 7 12 की तरफ जाएगा, माइनस का 13y बराबर 12 - 7, या माइनस का 13y बराबर 12 में 7 घटाएंगे 5 बचेगा, या y बराबर 5/-13, तो y बराबर 5/-13 हमें प्राप्त हो गया है। अब y बराबर 5/-13 हम समीकरण नंबर 3 में प्रतिस्थापित कर देंगे जिससे हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा, तो लिखेंगे y बराबर -5/13 समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 3 है हमारी x बराबर 2y + 7/9
ये हमारी क्या है समीकरण नंबर 3 है, या x बराबर 2 गुणा y के स्थान पर रखेंगे माइनस का 5/13 प्लस 7 ये आप कहें से और बटे में ये 9 आप कहें से, या x बराबर ये प्लस का 2 ये माइनस का 5 तो प्लस माइनस माइनस 2 × 10/13 और प्लस का 7 आपका ये ऐसे बटे में ये 9 आपका ऐसे, इसके 7 के नीचे 1 मान लेंगे इसका ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेंगे 13 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 13 से 13 कटेगा एक बार और 1³ 10 में करेंगे तो माइनस का 10 ही रहेगा, प्लस 1 से 13 कटेगा 13 बार और 13³ 7 में करेंगे 93 91 बटे में ये 9 आपका ऐसे का ऐसे घटा लेंगे 91 में से माइनस का 10 घटाएंगे तो ये बचेगा 81/13 और बटे में 9, इस 9 के नीचे मान लेंगे 81/13 गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 1 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा और 9 नम कितना होता है 81 होता है, तो यह आया आपका नौ बटा 13, ये हमें x का मान प्राप्त हो गया। इस तरह से x और y दोनों के मान हमें प्राप्त हो जाते हैं, अतः रैखिक समीकरण युग्म के रैखिक समीकरण युग्म के x बराबर 9/13 तथा y बराबर माइनस का 5/13 हल हैं। इसलिए दोनों विधि उपयुक्त हैं, दोनों विधि उपयुक्त हैं इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो के जितने भी नोटिफिकेशन हैं वे आपको समय से प्राप्त हो सकें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।